हेलो गाइस, आपका गेमिंग सेंपाई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो आपकी एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो टाइप की होने वाली है। इस वीक मैंने एक भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं निकाली थी, तो मैंने सोचा कि संडे है तो आज वीडियो निकाल ही लेते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही है कि मैं पीसी वाले की लाइव स्ट्रीम करता हूं और पीसी वाले की लाइव स्ट्रीम में मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करता हूं। तो वहां पे आप में से एक व्यूअर ने मेरे से पूछा था कि आपकी जो एमुलेटर्स हैं वो उसको यूज करना सही है कि नहीं है, एमुलेटर जो है पायरेसी में काउंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो वहां पे छोटा मोटा डिस्कशन होने लग गया था, तो मैंने बोला था कि ये एक अच्छा खासा टॉपिक है, इसके ऊपर एक वीडियो बन सकती है। तो टेक्नीशियन ने मेरे को बोला था कि इसके ऊपर साथ में मिलकर एक वीडियो बनाएंगे। इस चीज में ना हम लोग ना अच्छी खासी डिबेट कर सकते हैं कि पायरेसी में और एमुलेटर यूज करने में कितना बड़ा फर्क होता है। तो उनसे तो अभी तक इस बारे में कोई बात हुई नहीं, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक पर्सनली एक वीडियो मैं बना लेता हूँ डिस्कशन वाली, जिसमें मैं आपको एक ब्रीफली समझा दूंगा कि जो आपके एमुलेटर्स हैं वो पायरेसी में काउंट किए जाते हैं कि नहीं किए जाते, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं पायरेसी को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करता हूं और मैं एक एंटी पायरेसी टाइप का कंटेंट अपने चैनल में लेके चलता हूं कि पायरेसी जितना कम हो सके उतनी बढ़िया बात है। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक यही होने वाला है कि आपका एमुलेटर्स जो हैं वो यूज करना सही है कि नहीं है, वो पायरेसी में काउंट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये था कि आपका एमुलेटर जो है वो यूज करना सही है कि नहीं है, और इसको जो आंसर है देना इतना इजी है भी और नहीं भी है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स में और कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको ये चीजें समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि एमुलेटर्स को यूज करना गलत है और एमुलेटर्स जो है पायरेसी में काउंट किया जाता है, तो सीधा सीधा उनका आंसर तो यही होगा, मतलब मेरी तरफ से यही आंसर होगा कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका जो एमुलेटर्स जो है वो कॉन्सोल्स की ना बाय करने में, मतलब कि एक गेमर को कॉन्सोल्स एमुलेटर जो है कॉन्सोल्स बाय करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है और एक मतलब एक सीधी लाइन में लेके जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आप सोचिए कि अगर आपने एमुलेटर में अपनी PS2 के एमुलेटर में PS3 के एमुलेटर में गॉड ऑफ वॉर खेली है और आप बन गए हो गॉड ऑफ वॉर के फैन, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, लाइव एग्जांपल है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने PS2 के एंड PS3 के एमुलेटर में गॉड ऑफ वॉर खेली थी और उनकी गॉड ऑफ वॉर जो है ना उनकी फेवरेट सीरीज है, और आप में से बहुत सारे लोगों की होगी जिन्होंने अभी तक एमुलेटर में खेली है। तो अगर आपकी कोई नई गॉड ऑफ वॉर सीरीज आती है, फॉर एग्जांपल मैं PS4 में आई थी जो लेटेस्ट वाली जो गॉड ऑफ वॉर थी, उसको आप एमुलेटर में तो नहीं खेल सकते थे, और जो आपकी PS5 में जो नई गॉड ऑफ वॉर आएगी आप उसको एमुलेटर में तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हो। तो अगर आप गॉड ऑफ वॉर के बहुत बड़े फैन हो तो आप एक ना एक दिन कॉन्सोल लेने के बारे में जरूर से सोचोगे, और ये एक फैक्ट है, और इसी कारण आपका जो कॉन्सोल्स है वो ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जो गेम्स है, अच्छी अच्छी जो गेम्स है अपने फ्रेंड्स के थ्रू या गेमिंग कैफे के थ्रू एक ना एक बार खेल चुके होते हैं, और एमुलेटर्स के थ्रू भी लोग खेलते हैं गॉड ऑफ वॉर टाइप की गेम्स। तो उनकी जो गॉड ऑफ वॉर, जैसे एग्जांपल में गॉड ऑफ वॉर एक बहुत बढ़िया गेम है और लोग उसके पीछे पागल है, इसलिए लोग PS4 खरीद लेते हैं, कॉन्सोल्स खरीद लेते हैं, PS5 खरीदेंगे, और अभी तो लोग PS5 ही खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि PS5 में आपके PS4 की गेम्स भी चल जाती है, बट PS1 एंड 2 की गेम्स, 3 की गेम्स बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। तो लोग अभी भी PS3 2 1 के लिए अभी भी एमुलेटर्स ही यूज करेंगे। तो सीधी सी बात है, तो इसका आंसर तो सीधा यही होगा कि जो एमुलेटर्स हैं, हर बंदा तो नहीं खरीदेगा नया कॉन्सोल, बट मेजॉरिटी में मतलब एक छोटा पोर्शन तो जरूर से आपका कॉन्सोल जरूर से एक ना एक दिन खरीद ही लेता, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर गेम की सीरीज पसंद आ जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए होराइजन ज़ेरो डॉन वो एक ऐसी गेम है, उसको मैंने PC में खेला क्योंकि वो PC में रिलीज हो चुकी है और वो मेरी इतनी अच्छी गेम है, मेरे को फेवरेट गेम है कि मैं PS5 भी शायद से बाय करूं, मे बी नॉट, देखते हैं। और इससे रिलेटेड एक अच्छा एग्जांपल भी निकलता है, जैसे कि लोग निंटेंडो की गेम्स को भी एमुलेट करते हैं। मैंने बहुत खेली है पोकेमोन की गेम्स, मेरी फेवरेट गेम्स में आती है पोकेमोन की गेम्स, मैंने बहुत सारी खेली है, प्लैटिनम खेली है, डायमंड एंड पर्ल खेली है, आपकी फायर रेड खेली है मैंने, और बहुत सारी गेम्स खेली है जो कि सिर्फ निंटेंडो में आती है, PC में नहीं आती, कॉन्सोल्स में नहीं आती, मतलब PS4 Xbox में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आपकी जो निंटेंडो की जो कॉन्सोल्स हैं वो इंडिया में बाय करना या और भी बहुत सारी कंट्रीज में बाय करना ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि निंटेंडो सिर्फ अपने जापान में और US वगैरह में और अलग अलग बड़ी कंट्रीज में ही सिर्फ अपने कॉन्सोल्स को बेचती है और बाकी जगह नहीं बिकते हैं, नकली आते हैं या तो ब्लैक मार्केटिंग होती है। आप बताइए, आप ब्लैक मार्केट में खरीदना पसंद करोगे डबल प्राइसेस में? बिल्कुल भी नहीं, आप अपने रियल प्राइसिंग पे जेन्युइन चीज ही खरीदना पसंद करोगे। आपको वारंटी लेना भी तो जरूरी है, अगर बाय चांस खराब जाते हो तो आपने ब्लैक मार्केट से लिया तो आप वारंटी तो क्लेम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ब्लैक मार्केट वाली चीज है और इंडिया में उसके कोई सर्विस सेंटर तो है भी नहीं। तो इस कारण भी बहुत सारे लोग एमुलेट करते हैं। हाँ, मैंने इसी कारण एमुलेट किया, अगर मेरे पास Nintendo DS बाय करने का ऑप्शन होता या 3DS बाय करने का ऑप्शन होता तो मैं पोकेमोन की सन एंड मून
फोन में शायद से एमुलेट नहीं कर रहा था, मैं शायद से खेल रहा था उसको कॉन्सोल में, अपने हैंडल कॉन्सोल में। तो ये एक रीजन है, ये एक बहुत अच्छा रीजन है और मेजरली लोग इसको इसीलिए ही एमुलेट करते हैं गेम्स को। और आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे लोग मोबाइल को भी एमुलेट करते हैं, इसके ऊपर मैं एंडिंग में बात करना पसंद करूंगा क्योंकि मोबाइल एमुलेटर वाली जो कम्युनिटी है वो थोड़ी ना अलग है, मैं उनके ऊपर बाद में बात करूंगा। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो है गेम प्रिजर्वेशन, जो गेम्स की जो प्रिजर्वेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है एमुलेटर से। क्यों? क्योंकि मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ। PS1, 2, 3 की जो गेम्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है PS4 और 5 के साथ, सिर्फ जो PS5 है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है PS4 के साथ, ना कि 1, 2, 3 के साथ। अब उनकी गेम्स बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हो। तो इससे आपकी PS1, 2, 3 की जो कुछ नीश गेम्स है ना, जो बहुत अच्छी गेम्स हैं और वो सिर्फ PS1, 2, 3 में ही थी, वो मेजरली अब लोग तो खरीद नहीं सकते PS1, 2, 3 को, क्योंकि वो गेम्स वो कॉन्सोल तो बन नहीं रहे, बहुत सारे कॉन्सोल्स खराब भी जाते हैं। तो कैसे खेलेंगे? एक एमुलेटर के थ्रू, एक एमुलेशन के थ्रू ही वो गेम्स प्रिजर्वेशन होती है। गेम्स प्रिजर्वेशन की आप मतलब कि अगर आपकी जो गेम्स हैं वो डेड हो जाती हैं उसके बाद वो गेम्स इंटरनेट से गायब हो जाएंगी, तो प्रिजर्वेशन कैसे होगी वो गेम्स? ऑब्वियसली वो अच्छी अच्छी गेम्स गायब हो जाएंगी, लोग बोलेंगे अरे तुमने वो वाली गेम खेली थी जो वो बहुत अच्छी थी, फिर नाम भूल जाएंगे, फिर एक तरीके से वो चली जाएगी। जैसे इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेज है, इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेज है जो अब इंडिया में लोग भूल चुके हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को। तो आप इस चीज को एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके चल सकते हो, एमुलेशन के थ्रू, एमुलेटर्स के थ्रू एक बहुत गेम्स प्रिजर्वेशन होती है और गेम्स प्रिजर्वेशन होना जरूरी भी है। तो अगर आप अभी तक ये 3-4 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर आप इन पॉइंट्स को अगर समझ पा रहे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, PS4 की एमुलेटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। कुछ टाइम पहले जब PS5 रिलीज होने वाला था उस समय एक न्यूज आ रही थी, जो PS4 का एमुलेटर का जो डेवलपर है, जो भी एमुलेटर के नाम्स होते हैं उसका जो डेवलपर होता है, उसका एक इंटरव्यू टाइप का आया था जिसमें उस डेवलपर ने ये बोला था कि जब तक PS5 नहीं आता तब तक हम PS4 के जो एमुलेटर के कोड्स हम रिलीज नहीं करेंगे, कोई भी उसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा और हम उसके एमुलेटर को रिलीज नहीं करेंगे जब तक PS5 नहीं आ जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी मेंटालिटी है। क्योंकि PS4 जब तक चल रहा है तो उसका एमुलेटर निकालने का कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है और ये एक तरीके से एथिक्स के खिलाफ भी है और ये गलत चीज भी गिनी जाती है। तो अब PS5 आपकी आ चुकी है और लोग PS4 का भी अभी जस्ट एमुलेटर निकला भी है, सिर्फ अच्छे कंप्यूटर्स के अंदर ही चलता है और अच्छे कंप्यूटर्स के अंदर भी वो ठीक से नहीं चलता है, मतलब कि बग्स एंड ग्लिचेस तो होते हैं क्योंकि नया नया एमुलेटर निकला, तो बग्स एंड ग्लिचेस तो जरूर होंगे और उसके लिए भी हाई एंड कंप्यूटर बनाना पड़ेगा PS4 की गेम्स खेलने के लिए, जो कि एक बहुत ही गलत सोच है, मतलब गलत ही चीज़ है। ऑब्वियसली आप 1,00,000 का PC बनाओगे 20-30,000 के एमुलेटर की गेम्स खेलने के लिए, तो आप ही समझदार हैं कि आपको क्या ही चीज़ करना चाहिए। अगर आपको कॉन्सोल्स की गेम ही खेलनी है अगर आपको PC में, तो आप कॉन्सोल ही ज़्यादा अच्छी तरीके से लेना पसंद करोगे। बट PS3 के, PS2 के, PS1 के आपको एमुलेटर मिल जाएंगे। अभी अभी जब आपका PS5 जो रिलीज़ हो गया उसके बाद आपकी PS4 का भी एमुलेटर आया है, अभी शायद से इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ 2-3 लोगों से ही बात करते हुए सुना है और ज़्यादा लोगों से मैंने बात करी भी नहीं है PS4 के एमुलेटर के बारे में। हाँ, आपको एक न्यूज़ पता चल गई है तो आप जाके सर्च भी कर सकते हो। और आप में से अगर कोई सोच रहा है कि मैं PS4 का एमुलेटर अब डाउनलोड करके खेलूंगा, तो इस चीज़ को यूज़ करना इतना इजी नहीं है क्योंकि आपकी सारी गेम्स कंपैटिबल नहीं है PS4 के एमुलेटर के साथ। सारी तो नहीं, मतलब कुछ 1-2 ही होंगी या कुछ ही गेम्स जो चल रही हैं शायद से, रिसर्च कर लीजिएगा अपने ऊपर ही। और जो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि एमुलेटर जो यूज़ करते हैं उनकी मेंटालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है, जो लोग सोचते हैं कि मैं भाई कभी कॉन्सोल्स को बाय ही नहीं करूँगा और मैं कॉन्सोल की सारी गेम्स एमुलेटर के थ्रू फ्री में खेलूंगा। तो जो लोग ये सोचते हैं ना, मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसी सोच वाले लोग PC कम्युनिटी में भी हैं जो पायरेसी करना चाहते हैं कि भाई मैं तो कभी PC गेम्स नहीं खरीदूंगा। तो आप लोग तो इतने समझदार हैं ही कि पायरेसी आपको पता ही गलत है। हाँ, माना कि लोगों के पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए, इसके ऊपर एक अलग ही टॉपिक के ऊपर मैंने, इस पायरेसी के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना चुका था, आप उनको भी देख सकते हो, 2 वीडियोस है, एक मेरे चैनल पे, एक टेक्नीशियन के चैनल पे। तो ये है और इसी मेंटालिटी के जो पॉइंट है इसके ऊपर एक मोबाइल एमुलेटर्स वाले भी आते हैं, एंड्रॉइड एमुलेटर्स वाले भी। और अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो जो मोबाइल एमुलेटर है वो भी आपके अच्छे विजन के साथ बनाया गया था, जो कि आपकी एक गलत ही चीज में वाइल्ड स्प्रेड होने लग गई थी। देखो, अगर आप मोबाइल एमुलेटर अगर आप यूज करते हो वो गलत चीज नहीं है, मगर आप उस चीज को प्रमोट करते हो, आप उस चीज को फैलाते हो, अगर आप उस चीज को नेगेटिविटी फैलाते हो ना, तो हर चीज की जो एक नंबर जो बन जाता है ना, तो टॉक्सिसिटी भी वहां पे बहुत ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली आप पबजी मोबाइल की अगर आप बात करते हो, पबजी मोबाइल एमुलेटर की बात करते हो, जो 1-2 लाख का PC बना करके पबजी मोबाइल एमुलेटर में खेलते थे, तो आपको तो पता ही है वो कुछ चीज गलत है। और बहुत सारे लोग ट्रिगर भी होते हैं इस चीज से लेके। मेरे को वैसे तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हाँ, लोगों की अलग अलग थिंकिंग्स होती हैं जो एमुलेटर में जो गेम्स खेलते हैं। मेरे को उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब पबजी मोबाइल फेमस थी, जब चल रही थी, बट हाँ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो लगता ही था कि भाई अगर तुम्हें पबजी खेलना ही है तो PC में ही खेल लो। इतने बड़े बड़े चैनल जो चल रहे थे उस समय और अभी भी चल रहे हैं, पबजी मोबाइल जब चला रहे थे वो लोग, तो पबजी PC भी खेल सकते थे, वो एमुलेटर खेलने की क्या जरूरत थी। तो वही वाली बात आ जाती है। तो
पबजी मोबाइल के ऊपर बात करना, पबजी मोबाइल एमुलेटर के ऊपर बात करना बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है और लंबा टॉपिक भी है। तो अगर इस चीज़ के ऊपर अच्छा खासा व्यूज आता है तो ऑब्वियसली मैं टेक्नीशियन को बोलूंगा कि बिहाइंड द सिलिकन वाले चैनल के ऊपर भी इसके ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो बन सकता है और अच्छा खासा टॉपिक वाला वीडियो ये है भी। तो नॉर्मली ये डिस्कशन था, यहीं तक था। मैं एमुलेटर्स को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकली सोचोगे तो ये एमुलेटर्स जो है आपकी कॉन्सोल्स बिकवाने में हेल्प भी करते हैं, बट हर चीज़ की एक नेगेटिव साइड भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो एमुलेटर्स हैं हमेशा सही भी हैं, कहीं ना कहीं वो भी गलत हो सकते हैं, नेगेटिव चीज़ों को भी प्रमोशन दे सकते हैं। तो हर चीज़ को आपको ध्यान से ही यूज़ करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। जो भी है सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे यूज़ करते हो। तो अगर आपके पास कोई काउंटर ओपिनियन है मेरे इस ओपिनियन के खिलाफ तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बता सकते हैं, बहुत अच्छा बात होगी। और आप में से जो अच्छे खासे जो डिस्कशन वाले अच्छे खासे जो काउंटर ओपिनियन होंगे उसको हम शायद से बिहाइंड द सीगन वाले चैनल में भी डिस्कस करें। तो अगर आपके पास कोई भी ओपिनियन है आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख सकते हैं और मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा, पढ़ूंगा, जैसा भी होगा आपको मैं सब रिप्लाई देने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से वीडियो शेयर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूले। एंड अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना तो डिस्क्रिप्शन देगा अमेजन के लिंक से आप शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा शुक्रिया। और अगर आपको मेरे से कोई पर्सनली डिस्कशन करना है तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या तो आपके पास कोई भी कमेंट है, फीडबैक है और आपको कोई भी काउंटर ओपिनियन देना है तो मेरे कमेंट सेक्शन को जरूर से यूज कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।